श्री राम के बाद बद्रीनाथ बीजेपी से नाराज, आखिर क्यों? INDA गठबंधन को मिला आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव के बाद सबकी निगाहें उपचुनाव पर टिकी, जिसमें NDA को बड़ा झटका लगा। अयोध्या के बाद भाजपा एक और धर्मनगरी में हार गई, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली। देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने सबको चौंका दिया। इस उपचुनाव में NDA को बड़ा झटका लगा, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें आईं। भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिले, जबकि बिहार के रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट गंवाने के बाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ सीट हार गई, जिसमें विपक्ष को फिर तंज कसने का मौका मिल गया। आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या है वजह। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ विधानसभा सीट आती है। इस धर्म नगरी में हुए उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र सिंह भंडारी को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने कांग्रेस के साथ विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने राजेंद्र भंडारी के खिलाफ लखपत सिंह बुलौटा को चुनावी मैदान में उतार दिया। यहां की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया। आखिर कैसे कांग्रेस एक के बाद एक बाजी जीत रही है? कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुलौटा ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को 5,224 वोटों के अंतर से हरा दिया। लखपत बुलौटा को 28,161 वोट मिले, जबकि राजेंद्र भंडारी ने 22,937 मत प्राप्त किए। इससे पहले भाजपा ने अयोध्या लोकसभा सीट भी गंवाई थी, जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। अब चर्चा है कि श्रीराम के बाद बद्रीनाथ भी भाजपा से नाराज हैं, आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? बद्रीनाथ उपचुनाव के रिजल्ट ने यह साबित कर दिया कि जनता को दल बदलू नेता पसंद नहीं है। यहां उपचुनाव थोपा गया, जिसमें लोग भाजपा से नाराज चल रहे थे। यही कारण है कि CM पुष्कर धामी समेत कई कैबिनेट मंत्रियों के दौरे के बाद बीजेपी को सफलता नहीं मिली। अगर राजेंद्र भंडारी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिए होते तो यह उपचुनाव नहीं होता। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर के बाद भी कांग्रेस के पाले में बद्रीनाथ सीट चली गई थी। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।